सो गाइस वेलकम बैक वंस अगेन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ट्विटर हैंडल के बारे में जहां पर बहुत अच्छा चार्ट शेयर हुआ है जिसके बेस पर हम समझ सकते हैं कि बिटकॉइन कहां तक जाएगा। उसके बाद एल सल्वाडोर की ओर से जो न्यूज आ रहा है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, एक इंपॉर्टेंट ट्वीट है उसके ऊपर बातचीत करेंगे, साथ में बात करेंगे कुछ अल्टकॉइंस को लेकर जो कि मुझे लगता है आपको पर्सनली वॉच करना चाहिए। और मैं इतना ही बोलना चाहूंगा वीडियो को एंड तक जरूर देखो क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत डीपली बिटकॉइन को एनालिसिस करेंगे और मेनली बिटकॉइन डोमिनेंस को देखने की कोशिश करेंगे कि बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। साथ में आके साथ में दो अल्टकॉइन शेयर कर रहा हूं, मुझे लगता है टेक्निकली बड़े स्ट्रॉन्ग है और आपको वॉच करना चाहिए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले किस पर ऐड करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। इसका फायदा क्या है, यहां पर हमने अल्टकॉइन के रिलेटेड सिग्नल पोस्ट करना स्टार्ट किया है तो ये सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है। प्लस आप देखेंगे तो नेव कॉइन का 32% का प्रॉफिट और अपसाइड में स्क्रॉल करेंगे तो एलएसके कॉइन लगभग 18% का प्रॉफिट और ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो और भी आपको सिग्नल देखते हुए मिलेंगे। तो तुरंत टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, जाकर तुरंत ज्वाइन कर लो। नाउ मूव टू टॉपिक करते हैं। तो गाइस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज यहां पर ऐड करना चाहूंगा, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया गया है अटानी की ओर से। अटानी बेसिकली एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर बेसिकली आप ट्रेड कर सकते हो एपीआई की के जरिए। और सबसे मजेदार बात यहां पर यह है कि आप सारे एक्सचेंजेस मतलब जितनी भी एक्सचेंजेस मार्केट में अवेलेबल है टॉप एक्सचेंजेस, उन एक्सचेंजेस को यहां पर आप मतलब मान के चलो कि अगर आपका अकाउंट इन कोई एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है तो एपीआई की के जरिए आप इनको कनेक्ट कर सकते हो और यहां पर आप यूज कर सकते हो। मेन चीज यहां पर जितने भी ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स है सारे के सारे आपको इंडिकेटर्स यहां पर फ्री यूज करने को मिलते हैं। प्लस इनका अपना मोबाइल एप्लीकेशन भी है, ऐप आपको एंड्रॉइड के लिए भी मिल जाएगा और एप्पल के लिए भी मिल जाएगा। इसका सारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाकर चेक। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे मार्केट ओवरव्यू का, क्या हो रहा है मार्केट में, मतलब बिटकॉइन का मूव को अगर हम समझने की कोशिश करें या इथेरियम की मूव को समझने की कोशिश करें। बिटकॉइन लगातार जा रहे हैं अपसाइड में, फिर मार्केट डाउन आ रहे हैं, मार्केट 59, 58 लगभग 60 के करीब जाता है, देन मार्केट वापिस डाउन आ रहा है। तो उसमें चीज क्या हो रही है, ऐसे क्या बेसिकली मार्केट में हमको देखने को मिल रहा है कि मार्केट ऑलमोस्ट नवंबर मंथ तक पहुंच चुका है लेकिन फिर भी कोई पैराबोलिक मूवमेंट नहीं मिल रहा है। अगर हम देखेंगे टॉप कॉइन्स की, टॉप 10 कॉइन की भी अगर लिस्ट देखो तो लगभग पिछले 7 दिन से सारे के सारे अल्टकॉइन यहां पर नेगेटिव रेंज में चल रहे हैं। ये क्यों, इसका सिंपल सा कंसेप्ट यहां पर यह है कि मार्केट पिछले बुल रन के हिसाब से थोड़ा डिले टाइम पर चल रहा है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं इस ट्विटर हैंडल के टाइम पर। लेकिन याद रखो जब भी मार्केट में कोई भी पैराबोलिक मूवमेंट आएगा, जैसे कि हमको अगर आप लाइक गाला कॉइन में देखेंगे तो पिछले 7 दिन में 300% का मूवमेंट यहां पर ले चुका है। crypto.com में देखेंगे तो 52% का मूवमेंट हुआ है। EGLD ऑलरेडी हम इस कॉइन में एंट्री में हैं और मेरे ख्याल से हम ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट EGLD में गेन कर चुके हैं। सैंडबॉक्स को देखेंगे अच्छा खासा पंप कर रहा है। एवलांच, डिसेंटरलैंड बहुत अच्छा मूवमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है। देखो याद रखो ये जितने भी मार्केट पंप ले रहा है ये सब बेसिकली एक ट्रेंड में घूम रहा है, एक ट्रेंड के अंदर है। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं चलो भैया अभी जाकर मैं गाला कॉइन को बाय कर लो, क्यों, क्योंकि ये कॉइन अभी पंप कर रहा है। और इसको पहले हिस्ट्री देख लो, ये कॉइन ऑलरेडी पिछले 7 दिन के अंदर मार्केट में बहुत हैवी तरीके से पंप ले चुका है और पिछले 1 साल के अंदर आप इसका मैप देख लो लगभग कहां से कहां जा रहा है, लगभग 0.02 सेंट से मार्केट उठकर अभी करंट वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो लगभग कह सकते हैं कि 40 सेंट पर जा चुका है। तो एक तरीके से थोड़ा ट्रेड अगर आप करोगे अभी के वक्त में थोड़ा सा संभल के करो क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेंगे। और बहुत से लोग ये भी सोच रहे हैं कि यार अभी बाय करूं या नहीं करूं। देखिए एक चीज मैं अगर टेक्निकल के हिसाब से कहूं या मैं अपने नॉलेज के हिसाब से कहूं तो आप अभी भी बाय कर सकते हो अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है। मतलब अगर आपको कुछ कॉइन की रिसर्च खुद से करना होगा जहां पर आपको उन कॉइन के अंदर अभी तक कोई हाईएस्ट पंप नहीं देखने को मिला है तो उस कॉइन में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे कि आपका नियो कॉइन हो गया, जैसे कि TRX हो गया, सिया हो गया, XVG हो गया, बहुत से ऐसे कॉइन आज भी है जो कि मार्केट में अच्छा खासा रिकवरी नहीं किए हैं जिसके अंदर आज भी अच्छा खासा पंप होने का चांसेस है। तो पहले आपको उन पर रिसर्च करना होगा, उनका टेक्निकल देखना होगा, फंडामेंटल देखना होगा तो जाकर आप करो।
अब कल के दिन में मेरे को मेरे एक दोस्त का मैसेज आया था, हमारे यूट्यूब का ये सब्सक्राइबर है, वो बता रहे थे कि उन्होंने रिसेंटली क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना का सोचा है, मतलब बिल्कुल न्यूबी है और वो चाहते हैं कि वो बिटकॉइन या कोई अदर करेंसी में इन्वेस्टमेंट करें। उनका सवाल ये था कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट अभी करूं या नहीं। मैंने उनको भी बड़ा सिंपल सा जवाब दिए देने की कोशिश किया कि भाई अभी तो सही वक्त नहीं है अगर आपको नॉलेज नहीं है तो, अगर आपको नॉलेज है देन एवरी टाइम इज करेक्ट। तो बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत से न्यू कमर मार्केट में आ रहे हैं, बहुत से यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस आ रही है, इवन अपने चैनल्स के ऊपर भी वीडियोस आ रही है जहां पर हम शेयर कर रहे हैं अल्टकॉइंस को, डेफिनेटली हम टेक्निकल फंडामेंटल देखते हुए शेयर कर रहे हैं। लेकिन जब तक आपको खुद के पास कोई नॉलेज नहीं होगा तब तक आपको इस इंडस्ट्री में बादशाह कोई नहीं बना सकता है। अगर आपको इस जंगल में पैसा कमाना है तो आपको नॉलेज लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ विदाउट नॉलेज आप हमेशा यहाँ पर लॉस करेंगे, तो इस चीज को आप हमेशा याद रखो। नेक्स्ट बेसिकली हम बात करने वाले हैं एक ट्विटर हैंडल की, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर हुई है 2017 चार्ट और 2021 के चार्ट को देखते हुए। एग्जैक्टली मार्केट का यहाँ पर डंप, मार्केट का करेक्शन फेज बिल्कुल प्रॉपरली प्रेडिक्ट हुआ है, और यहाँ पर अगर आप RSI को देखेंगे तो RSI भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हिम यहाँ पर ये कहना है कि रिमार्क बेसिकली यहाँ पर जो चार्ट वो यूज कर रहे हैं करेक्शन स्ट्रक्चर का वो 8 घंटे का चार्ट है और ऑलमोस्ट टू द डे 4 इयर्स अपार्ट जो पिछले 4 साल पहले हुआ था, जो यानी 2017 के अंदर। यहाँ पर इनका कहना यह है कि 2021 के अंदर जो स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है 2017 का वो बिल्कुल सिमिलर, बस 5 से 8 दिन का फर्क है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 5 नवंबर को मार्केट टॉप करके करेक्शन किया था, यहां पर 10 को किया, तो थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर डिफरेंट देखने को मिल रहा है लेकिन स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है। हम ये कह सकते हैं कि भाई पिछले बुल रन में 30 आई थिंक मुझे डेट याद नहीं आ रहा लेकिन मंथ दिसंबर था, तो पिछले बुल रन जो 2017 का बुल रन था उस टाइम मार्केट दिसंबर में टॉप क्रिएट किया था, जो भी डेट होगा था उसके अपार्ट मेरे ख्याल से 10-15 दिन के बाद तक हम एस्टिमेशन ले सकते हैं कि शायद उस टाइम तक मार्केट हिट करेगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट में इसको देख रहा हूँ, इससे खुशी में जाकर आप लाइक को जरूर कर लो इसको, और वीडियो को भी लाइक करो यार, लाइक करोगे शेयर करोगे तो जो मैं समझूंगा न्यूबी से जिसको नॉलेज नहीं है तो वो थोड़ी बहुत नॉलेज भी मिलेगी वीडियो के जरिए। सेकंड, वीडियो कैसी लग रही है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। नेक्स्ट यहाँ पर ट्विटर आ रहा है, ट्वीट आया है बेसिकली एल सेल्वाडोर की ओर से, जहाँ एल सेल्वाडोर की जो इम्पोर्टेंट न्यूज है यहाँ पर ट्वीट की गई है बिटकॉइन के जो इनका चैनल उनकी ओर से। तो मेनली यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि एल सेल्वाडोर विल बाय 500 मिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन, जो कि मैंने आपको कल के ट्वीट में भी एक्सप्लेन किया था कि लगभग 1 बिलियन बॉन्ड ऑफरिंग वो कर रहे डॉलर के, 1 बिलियन डॉलर के बॉन्ड वो ऑफरिंग कर रहे, जहां पर उन्होंने बिटकॉइन सिटी बल को लॉन्च किया जहां पर 0 प्रॉपर्टी टैक्स, 0 इनकम टैक्स, 0 कैपिटल गेन टैक्स उन्होंने रखा है। मे बी वो टर्म्स एंड कंडीशन इतना मैं नहीं गया बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा कि वो उनके लिए है जो इस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करेगा या जो भी चीज होगा, जिसके ऊपर हम डिटेल में नहीं गए। तो अपने आप में काफी बड़ा इम्पैक्ट ये ला सकता है दुनिया भर में बिटकॉइन इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि एक कंट्री अगर कर सकती है तो सारे कंट्री इसको करेंगे। एक वक्त था लगभग 2014 के अंदर जहां पर ब्लॉकस्ट्रीम ने बिटकॉइन को अपने ट्रेजरी में ऐड किया था, 2019 के अंदर माइक्रो स्ट्रेटजी ने पब्लिक मार्केट कंपनी है जहां पर उन्होंने पब्लिक मार्केट ट्रेजरी में बिटकॉइन को ऐड किया है, 2021 के अंदर एक कंट्री सामने आई है एल सेल्वाडोर जिसने बिटकॉइन को अपने ट्रेजरी में ऐड किया है बिटकॉइन बॉन्ड के जरिए। तो मैं समझता हूँ ये और किस चीज की हमको जरूरत है, हम क्या इसको देखते बैठे अभी कि पता नहीं गवर्नमेंट कब इसको लागू करेंगे, या हम ये सोचे कि ये कोई MLM का स्कैम है। मैं 2017 से बोल रहा हूँ, जो अपने चैनल पे 2017 से है उनको पता है कि मैं उस टाइम से बोल रहा हूँ गवर्नमेंट आएंगी जाएंगी बैन अनबैन होता रहेगा। अगर आपके पास बिटकॉइन हो, अगर आप बिलीव करते हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा और आज वही रिटर्न हमको मिल रहा है। बेसिकली अगर हम सबसे पहले यहाँ पर बात करने वाले हैं अल्टकॉइन की, लेकिन उसके पहले मैं बात करना चाहूंगा बिटकॉइन की, क्योंकि मैं ये समझता हूँ बिटकॉइन का चार्ट देखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और एक टेक्निकल पैटर्न फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। जैसे कि लास्ट टाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न क्रिएशन हुआ था, यहाँ पर एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन पैटर्न क्रिएशन हो रहा है। एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जो लेग का मार्केट अगर इस पैटर्न को फॉलो करता है तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ से हायर जाएगा। दोबारा रिपीट
लीड कर रहा हूं, ये पैटर्न फॉर्मेशन अभी कंटिन्यू बना है, अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ। मे बी मार्केट डाउन में ब्रेकआउट ले सकता है जो हमारा लोअर सपोर्ट है $52,000 पे, या नहीं तो मार्केट यहां से जा सकता है अपसाइड में। अब डायरेक्टली यहां पर नहीं बोलेंगे, अगर हम इस ट्वीट की बात करें तो इनके एक्सपीरियंस और जो उन्होंने प्रीवियस डेटा को कलेक्ट किया है उसके हिसाब से इनका ये डंप का ये बॉटम बन चुका है और अब मार्केट यहां से रिवर्सल होने वाला है। तो अगर हम इसको भी मान लें तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन का आने वाला टेक्निकल पार्ट यहां से अपर मूवमेंट में ही रहेगा, तो इस चीज को आप बारीकी से वॉच कर सकते हो। सबसे पहले मैं अल्टकॉइन को यहां पर कवर करने वाला हूं, बट उसके पहले मैं बिटकॉइन डोमिनेंस में भूल जाता हूं कंसेप्ट को। तो मार्केट तो फिलहाल बिटकॉइन का ठीक ठाक दिख रहा है। अगर मैं डोमिनेंस की यहां पर बात करूं तो डोमिनेंस भी कोशिश कर रहे हैं लगभग, यहां पर अगर आप गौर करेंगे ना तो डोमिनेंस भी लगातार कोशिश कर रहा है कि अपना जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पर उसको वो होल्ड कर सके। एक तरीके से मार्केट ने हायर जंप लिया, फिर करेक्शन, फिर एम पैंडल मार्केट डाउन आया, बट अभी तक कोई खास मूवमेंट नहीं बना है लोअर टाइम फ्रेम के। लेकिन अगर आप हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको यहाँ पर भी सेम बिल्कुल साइडवे स्ट्रक्चर मिल रहा है। दो चीज हो सकती है, या तो मार्केट इस लोअर सपोर्ट तक आएगा या तो मार्केट यहाँ से अप जाएगा। तो डोमिनेंस के अंदर कोई खास चेंज में नहीं देखने को मिल रहा है, तो डोमिनेंस फिलहाल के अंदर आप कह सकते हो साइडवे ट्रेंड में है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं टोटल टू की अगर बात करूं, अल्टकॉइन इंडेक्स की बात करूं, क्योंकि अल्टकॉइन इंडेक्स ने पुल बैक लिया है, करेक्शन किया है, सपोर्ट को होल्ड कर रहे हैं, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो मार्केट स्टिल अपने लेवल के अबव ही है। एक्सपेक्टेशन यहाँ पर यही है कि जब तक मार्केट इस वाले जोन के अबव होल्ड कर रहा है तब तक मार्केट में चांसेस है कि मार्केट और हायर जाएगा। दूसरी अगर मैं यहाँ पर टेक्निकल के हिसाब से बात करूं तो मार्केट ने एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन क्रिएट किया है और यहाँ पर भी मार्केट कोशिश कर रहा है हायर जाने के लिए, जो कि ऑलरेडी टोटल मार्केट कैप के अंदर, जो पूरा मार्केट कैप होता है उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से, जब हम यहाँ पर थे लगभग, ठीक है, लगभग 2.52, उसके बाद मार्केट हायर गया और यहाँ पर करेक्शन कर रहे, तो कोशिश यही है कि मार्केट एटलीस्ट जा सके 3.1 ट्रिलियन डॉलर के करीब का। और एक्सपेक्टेशन यही है कि ये कब तक जाएगा, जब तक मार्केट होल्ड कर रहा है इस वाले लेवल को। तो इस चीज को याद रखो, लगभग ये जो जोन है आपका 2.44 ट्रिलियन डॉलर के करीब का है। अभी नेक्स्ट और फाइनली हम बात करते हैं अपने अल्टकॉइन को लेकर, कौन से अल्टकॉइन के बारे में हम डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हमारा जो अल्टकॉइन है वो है BNB। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बीएनबी की अगर मैं बात करूं, पिछले टेक्निकल के हिसाब से बात करूं या अभी के लेवल के हिसाब से बात करूं, जब भी आपको बीएनबी के अंदर हायर मूवमेंट बनता है उसके पहले कोई ना कोई टेक्निकल पैटर्न बनता है, उसको मार्केट ब्रेकआउट करता है और फिर मार्केट हायर जाता है। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, हमेशा से ऐसा हुआ है, आप यहां पर भी देख लो एग्जैक्टली सेम चीज है, पैटर्न फॉर्मेशन ब्रेकआउट अपसाइड मूवमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन ब्रेकआउट अपसाइड मूवमेंट। सिमिलरली यहां पर भी एक पैटर्न फॉर्मेशन है जो कि ब्रेकआउट हो चुका है। मैं यहाँ पर किसी को कोई बाइंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की मार्केट है, आपको जो भी डिसीजन लेना है अपने हिसाब से आप ले सकते हो। लेकिन अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री की बात करें तो प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से सेम पैटर्न फॉर्मेशन ब्रेकआउट हुआ है लगभग। यहाँ पर देखो मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद साइडवे घुमा था, यहाँ पर ब्रेकआउट करके साइडवे घूम रहा है। तो एक्सपेक्टेशन यहाँ पर ये रख सकते हैं कि शायद मार्केट अगर पिछले हिस्ट्री को फॉलो करें तो एटलीस्ट पहला आपको लोवेस्ट टारगेट जो देखने को मिल रहा है लगभग 20% के करीब का आपका लोवेस्ट टारगेट यहाँ पर बन रहा है, राइट। सेकंड टारगेट की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आप हायर जा सकते हो 20% के हायर, कितना रहेगा लगभग बन रहा है 35% कर लो। और उसके बाद जो सबसे मार्केट का टॉप में समझ सकता हो 0.02 सतोशी का, जो कि 100% का है। तो अगर आप BNB के होल्डर हो या BNB बाय करके रखे हो तो ये टारगेट आपको हेल्प करेगा काफी ज्यादा अपने प्लान को एक्सीड करने के लिए। BNB अगर मैं USDT की बात करूं मेन तरीके से, तो BNB USDT का स्ट्रक्चर के हिसाब से तो मार्केट में कोई खास बुलिश साइन नहीं मिल रही है, राइट है। अगर आप इसको गौर करेंगे तो देर इज नो बुलिश साइन, सिर्फ एक अप ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट होल्ड कर रहा है, कोई कंटिन्यूएशन की साइन यहाँ पर बनी है एग्जैक्टली आपको सपोर्ट लेवल पर एक एंगल्सिंग कैंडलस्टिक बनी है। तो दोनों सिनेरियो के हिसाब से चांसेस है कि मार्केट एक न्यू ऑल टाइम हाई प्राइस क्रिएट करे, एटलीस्ट $1,000 से $1,500 का एक्सपेक्टेशन है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मार्केट बॉटम से काफी हाई पर है, ठीक है। इसको बाय करने का टाइम कहां पर था, यहां पर था, वो मिस हो गया, ये एक रिस्की पार्ट है। लेकिन जो लोगों ने बाय करके रखा हुआ है उनके लिए एक एग्जिट आइडिया दे रहा हूं कि भाई ये चीज है। बाकी अगर आप देखोगे तो भाई बॉटम से अगर मैं बात करूं ना, लगभग बॉटम से अगर यहां पर मैं बात करूं
कोरोना वायरस के बॉटम के बाद से, तो लगभग यहां से मार्केट, ओ माय गॉडनेस, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10,000% यहां पे मार्केट हायर जंप ले चुका है। तो उसके बाद मैं किसी को ये तो नहीं बोलूंगा कि यहां पर आप बाय करो, लेकिन अगर मार्केट यहां से हायर जाता है तो कहां तक जाएगा वो बस आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूं। तो वो हिसाब से आप इसके ऊपर नजर रखो, एक ओपन हैंडल पैटर्न भी बना है, तो वो हिसाब से अपना आप एग्जिट प्लान बना सकते हो। नेक्स्ट बेसिकल में जो कॉइन यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ वो है बेसिकली डिया कॉइन, डिया बीटीसी की। यहाँ पर मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छा टेक्निकल पैटर्न यहाँ पर बना है। अच्छा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी मार्केट बॉटम पर जाता है तो वहां पर फॉलिंग वेज पैटर्न क्रिएशन होता है और यहाँ पर भी वही हुआ है। तो अगर ये फॉलिंग वेज पैटर्न अपसाइड मूवमेंट लेता है, अगर ये पॉजिटिव ब्रेकआउट यहां से करता है, तो इसके अंदर भी आपको अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अभी पैटर्न फॉर्मेशन है, अगर मार्केट इसको फॉलो करता है तो इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा डिया बीटीसी को भी पर्सनली आप वॉच करो। साथ में मैं डिया यूएसडीटी की बात करने वाला हूं कि उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर है, क्योंकि बीटीसी तो प्रॉपर दिख रहा है। अगर मैं यूएसडीटी की बात करूं तो यूएसडीटी बॉटम बनाकर हायर जंप लिया है। बाकी वीक के हिसाब से बात करो तो या उसके हिसाब से तो कोई खास मूवमेंट नहीं, क्योंकि ये बेसिकली डिफाई कॉइन है। डेफी कॉइन के अंदर अभी तो कोई खास मूवमेंट, मतलब अभी जब से डाउन आया था उसके बाद कोई खास मूवमेंट नहीं बना। ऐसा लगता है जब अल्टकॉइन में अदर अल्टकॉइन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे अपने इंडस्ट्रियल वाइज, तो उसी तरह यहाँ पर भी हमको अच्छा खासा रिवर्सल जंप देखने को मिल सकता है। बाकी लेवल को होल्ड कर रहे हैं, अगला रेजिस्टेंस तो सीधा यहाँ पर लगभग $4 से $5 के करीब का है, और अगर ये इसको फॉलो करता है देन डेफिनेटली हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि ऑल टाइम हाई बनना जरूरी है पूरे मार्केट के अंदर। तो जो भी ऑल टाइम है बने हम उसके प्राइस पे सेल कर सकते हैं। $12 से $17 का एक न्यू ऑल टाइम है प्राइस टारगेट एस्टीमेशन यहाँ पर है, क्योंकि अभी तक कोई खास मूवमेंट नहीं है। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद इसके अंदर अच्छा खासा मूवमेंट बन जाए, तो हमको इसके अंदर अच्छी खासी पोटेंशियल और प्रॉफिट हम बना सकते हैं। तो ये एक रिकमेंडेशन है कि इस पर आप वॉच लिस्ट में ऐड कर लो, बाकी किसी को इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। क्योंकि लगभग आप ये मत सोचिएगा डायरेक्ट हम इसको 17 या 12 पे सेल करेंगे, यहाँ पर मार्केट होल्ड कर रहा है, स्टॉप लॉस आपको देना है तो $1.28 पे आप स्टॉप लॉस दो। फर्स्ट टेक प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो लगभग आप दे सकते हो $4.78, फिर अगला टेक प्रॉफिट को देना है तो 12 और उसके बाद $17 पे, डायरेक्टली $17 पे टेक प्रॉफिट नहीं देना है। इनिशियल लेवल पर हमको पार्ट्स के अंदर थोड़ा थोड़ा करके सेल करने की जरूरत पड़ती है। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो प्रॉपर्ली समझ में आ चुका है। फिल वक्त के वीडियो में इतना ही, लेकिन याद रखो अगर आपके पास कोई सजेशन है अल्टकॉइन के रिलेटेड, कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल ओपन है, फ्री तरीके से कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए ताकि मैं उसमें से कुछ कॉइन्स को कलेक्ट करके अगले वीडियो में आपके साथ शेयर कर सकूं। फिल वक्त के वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर।